हम जो शुरुआत कर रहे हैं आज भोला साहब का जन्मदिन भी है, वैसे तो मैंने पहले विश कर दिया लेकिन आज आपके माध्यम से यहाँ से इनको इनके जन्मदिवस की भी बहुत बहुत मैं साथियों लेकिन जब हम इधर उधर झांक रहे
सड़क के नीचे नाच रहे थे, साइड के लोगों की तरह देख रहे थे, तो हमें यहाँ देख कर उद्योग बंद ना चला। सब जानते हैं कि
यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि फरीदाबाद को नेहरू जी ने खुद बसवाया था। पाकिस्तान से और अशोक अरोड़ा इस बारे में माफी मांगना चाहूंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान नहीं तो पाकिस्तान रहेगा हिंदुस्तान। उस तरफ से जब हमारे साथी यहाँ पर आए तो यहाँ पर नेहरू जी ने फरीदाबाद को बसवाया था। तो आपका कांग्रेस का तो नजदीक का नाता ना कांग्रेस आपसे दूर हो सकती है ना आप कभी कांग्रेस से दूर हो सकते। आज जरूरत है देश की, प्रदेश की, फरीदाबाद की, कि कांग्रेस की विचारधारा जिंदा रहे। अगर कांग्रेस की विचारधारा जिंदा नहीं रहेगी तो ये समाज जिंदा नहीं रह सकता। ये भाईचारा, अमन चैन शांति, विकास, प्रगति, तरक्की हर वर्ग को उसका हिस्सा मिले, ये विचारधारा कांग्रेस पार्टी की। और इनकी विचारधारा क्या है? आई को आज 36 जिला मिला एक साथ ना चले, कुछ ना कुछ बीच में जहर डालते रहो। और भी क्या बात है, अभी मुझे किसी ने बताया कि हमारे देश के मंत्री गंगवार जी ने कुछ कहा, संतोष गंगवार जी ने कहा कि नौकरी की कमी नहीं है, हम उत्तर भारतीयों में योग्यता नहीं है। तो साथियों आप बता दो मेरे नौजवानों, क्या आपके लोगों में योग्यता की कमी है? क्या कमी है तो सरकार में है, जिनको योग्यता आपकी नजर नहीं आ रही। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, रोजगार देना नहीं, मंदी है, असलियत को पहचानना नहीं, असलियत उनको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपको असलियत दिख रही है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश कि आने वाले वक्त में बहुत सी बातें हमने कर दी है, हर एक वर्ग को हमने अपना साथ देना है। मैं ये नहीं कहती कि केवल आपका साथ हम लेंगे, मैं ये कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हम आपको अपना साथ देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, दोबारा से निवेश लेकर आना है हमने। आपके मुख्यमंत्री जी आए से पूछे कितना निवेश लेकर आए, हम दोबारा से यहाँ निवेश लेकर आए, रोजगार मिलेगा। और ये स्मार्ट सिटी जैसी खोखली बातें नहीं है, हमने फरीदाबाद, बल्लभगढ़, अलवर, हमारे जितने भी शहर हैं उनको अच्छा करना है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसको अच्छा करना है, सबको साथ लेकर चलना है। तो साथियों मैं आपको आज सभी लोग यहाँ पर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी आप हमारी सेवा, आप हमेशा कांग्रेस का झंडा उठाकर चलते, आपके दिल में आत्मा में कांग्रेस है। और आज फिर वक्त आ गया इस झंडे को ऊंचा उठाकर हमने फिर से गांधी की विचारधारा को लाना है, सोनिया जी के दिखाए रास्ते पर चलना है, राहुल गांधी जी के दिखाए रास्ते पर नौजवानों को चलना है। हम सबको मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और अपने कार्यकर्ता साथियों को एक और बात कहना चाहूंगी कि साथियों हम कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा, लेकिन आप लोगों ने एक लोग जो हमारे मीडिया के साथी हैं और जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, हमारे मुखालिफ लोग हैं, वो बीच में कुछ बातें डालना चाहते, क्या कहते हैं जी कांग्रेस पार्टी आप लोग ठीक है, मिलके चलेंगे, बिल्कुल मिलके चलेंगे, ये कोई बात है? तो इनके इस ट्रैप में किसी ने भी फंसना है, सभी नेता हमें मानती है, कांग्रेस पार्टी के हम ये कार्यकर्ता है, ये पार्टी की विचारधारा है, सब लोग सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं। और जो हम लोग हैं हम सभी सोनिया गांधी जी के सिपाही,
सरकार बनेगी, आज के लिए कोई पता नहीं है कि कौन क्या बनेगा। सरकार कांग्रेस की बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो सरकार आप लोगों की होगी, हमारे कार्यकर्ताओं की होगी, आप सब की होगी। आने वाले वक्त में सत्ता में हिस्सा आप सबका होगा, जो मैं आपको फायदा करते जा रहा हूँ। समान तरह से उनका हक के पास पूरा प्रयास।